हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितिन श्रीवास्तव आपके सामने हूँ आपके अपने चैनल यूनिक ऑनलाइन क्लासेस में। आपका स्वागत करता हूँ और आज की वीडियो में मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। पाइथन, जैसा कि जानते हैं आपकी, पाइथन को मुझे पढ़ाना है, पाइथन का कोर्स कंप्लीट कराना है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन तो दे दिया था ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में। आज के वीडियो में बच्चों मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको पाइथन में, देखिए मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ओ लेवल का पाइथन कोर्स जो M3R5 आप जानते हैं मॉड्यूल है को कंप्लीट कराना है। देखिए पाइथन एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही यूजफुल और आज के समय की लेटेस्ट लैंग्वेज है जिसको कि यूज़ किया जा रहा है नॉट ओनली इन ओ लेवल, बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज में आज पाइथन का रोल है, पाइथन का अप्लीकेशन चल रहा है और रियल लाइफ में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आज पाइथन एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम लोग अपनी समस्याओं को, अपनी सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो आज की क्लास में, आज के वीडियो में मैं ये देने जा रहा हूँ कि पाइथन का सिलेबस क्या है और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रो कि मैं किस यूनिट में, किस पार्ट में क्या पढ़ाऊँगा। तो आइए मैं पाइथन का आपको सिलेबस बच्चों दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या आपको पढ़ाया जाएगा पाइथन की क्लास में। तो सबसे पहले मैं पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ। पहला जो सिलेबस का फर्स्ट बिंदु या फर्स्ट पॉइंट है वो है नंबर वन आपके लिए क्या रहेगा, इंट्रो डक्शन टू प्रोग्रामिंग। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। आप जानते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने जाइए निश्चित तौर पे आपको प्रोग्राम ही बनाना मूल ऑब्जेक्टिव होता है। तो कोई भी लैंग्वेज सीधे प्रोग्राम बनाना नहीं सिखाना शुरू करती बच्चों, सबसे पहले वो ये बताएगी कि भैया क्या होता है प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम होता क्या है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, कैसे उसको लिखते हैं, क्या क्या एड्स होते हैं प्रोग्राम बनाने के। जैसे इसके अंतर्गत आपको ये बताया जाएगा कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको बच्चों एक टेक्निक यूज करना सिखाया जाएगा जिसको कहा जाता है फ्लो चार्ट का डेवलपमेंट। पढ़ेंगे आप हाउ टू डिजाइन एंड डेवलप अ फ्लो चार्ट, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स क्या होती हैं, ठीक है ना। प्रोग्राम बनाते हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में आपको यह भी सिखाया जाएगा कि टेस्टिंग, टेस्टिंग मतलब आप समझते होंगे कि कोई प्रोग्राम बन गया, आपको स्टेप्स वाइज पढ़ाऊंगा कि भैया प्रोग्राम, सबसे पहला स्टेप किसी भी प्रोग्राम को बनाने में होता है प्रॉब्लम को समझना। अगर कहा जाता है बच्चों कि अगर आपने प्रॉब्लम को समझ लिया, आपने प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब कर दिया, प्रॉब्लम आपके दिमाग में बैठ गई क्लियरली, कि गलत बैठी गई तो रिजल्ट भी गलत आएगा। आपने अगर प्रॉब्लम को सही से समझ लिया, प्रॉब्लम को एनालिसिस कर लिया, प्रॉब्लम को कहते ना रीड कर लिया प्रॉपरली, तो निश्चित तौर पर जो डेवलप होगा, रिजल्ट जो आएगा वो जबरदस्त आएगा। तो इसलिए इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग जो यूनिट रहेगी उसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है, फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है एक लाइन में मैं बता दूं, किसी भी प्रॉब्लम को ग्राफिकली कैसे, प्रोग्राम जो बनाएंगे उसमें जो लॉजिक होगी, जो टेक्निक हम यूज करेंगे उसको ग्राफिकली माने डिब्बों के द्वारा, सिंबल्स के द्वारा, छोटी क्लासेस में बच्चों पढ़ाया जाता है फ्लो चार्ट। शायद आप कभी आगे पीछे पढ़े हो, मुझे नहीं एहसास, लेकिन आपको अगर फ्लो चार्ट बनाना आ गया तो जान लीजिए आधा प्रोग्राम आप ऐसे ही बना लेंगे। सही फ्लो चार्ट आपने बना लिया तो फिर तो बचा क्या है, कोडिंग बची है। तो ये सब कुछ इस यूनिट में आपके लिए मैं लेकर आऊंगा, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पॉइंट पहला यूनिट जो है उसमें यही सब पढ़ाया जाएगा। टेस्टिंग, टेस्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने प्रोग्राम बना लिया, रियल यूजर तक पहुंचने से पहले आप उसको जांचो, परखो, अलग अलग मानकों पर उसकी जांच करो। जैसे आजकल आप देख रहे हैं, आजकल आप देख रहे हैं कि कोरोना फैला हुआ है, चारों तरफ वैक्सीनेशन चल रही है, डिफरेंट वैक्सीन हैं, सबको इमरजेंसी अप्रूवल मिला है, कोई भी 100% एफिकेसी के साथ नहीं है, लेकिन सबने जांच की है, फर्स्ट फेज का रिजल्ट, सेकेंड फेज, थर्ड फेज,
हर फेज का अलग अलग रिजल्ट है, सबको मिलाकर एक एनालिसिस की जाती है, बताया भैया फलानी वैक्सीन को वैक्सीन इतने परसेंट एफिकेसी है, कोविडशील्ड कितनी, स्पुतनिक या एटसेट्रा। सिमिलरली जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे बच्चों, तो डिफरेंट लेवल ऑफ टेस्टिंग होगी, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ टेस्टिंग होगी। इतना डिटेल आपके यहाँ नहीं है कोर्स में, लेकिन आइडियाज तो होने चाहिए ना, आपको पता तो होना चाहिए गुरु होता क्या है, इसमें करते क्या है, कैसे इसको मैनेज करते हैं, कैसे इसको हैंडल करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको, टेस्टिंग कैसे करनी है प्रोग्राम की, टेस्टिंग में होता क्या है, एडवांटेज क्या है, ये लिखने में आता है। मैंने एक चीज क्लियर कर दूं, जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े प्रोग्रामर बन पाए पाइथन के इतने कम समय में, इतने कम उसमें एफर्ट में। प्रोग्रामिंग इज नॉट ए ईजी जॉब, और मार्केट में कोई इसका इंजेक्शन है नहीं भाई, बना बनाया आपको लगा लिया और आप सुरक्षित हो गए, आपने सीख लिया, जी नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप जरूरी नहीं कि 100% पाइथन प्रोग्रामिंग प्रोग्रामर बन पाए, लेकिन ये जरूरी है कि आप बेसिक्स जान लें ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो यू कैन डू इट। तो टेस्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके द्वारा आप ये सारी चीजें करेंगे। टेस्टिंग के बाद एक और चीज इसमें बच्चों बताई जाएगी, जिसको कि कहते क्या है, कहते हैं डीबगिंग, DEBUGGING कॉल्ड डीबगिंग। व्हाट इज डीबगिंग? डीबगिंग वो प्रक्रिया है जिसमें बच्चों ये बताया जाता है, क्या बताया जाता है कि कोई प्रॉब्लम अगर आ गई, जरूरी नहीं है आपने जब टेस्ट किया तो आपको रिजल्ट गलत मिलेगा, जब रिजल्ट गलत मिलेगा तो आप परेशान होंगे, आप खोजेंगे कि गुरु कहां पे गलती हमसे हो गई, कहां पे मिस्टेक्स हो रही हैं। तो फाइंड आउट द एरर्स इन आवर प्रोग्राम इज कॉल्ड डीबगिंग। डीबगिंग एक प्रक्रिया है जिसमें कि हम जो हमने प्रोग्राम डेवलप किया है, जो बनाया है, जो चीजें मेंटेन की हैं, जो डेवलपमेंट किया है, जो मेहनत की है, उसमें कहीं कोई गलतियां हैं, कोई कमी है, तो उसका पता लगाया जाए। मैं आपको बताऊं, डीबगर एक अलग लोग ही होते हैं जिनका काम ही होता है गलतियों को फाइंड आउट करना। टेस्टिंग का काम अलग लोगों का होता है, कोडिंग का काम अलग लोगों का होता है, डेवलपमेंट का काम अलग लोगों का होता है, डॉक्यूमेंटेशन का काम अलग लोगों का होता है। जब सारे लोग, इसी को तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम कहा जाता है। आपको क्या लगता है सॉफ्टवेयर कंपनी में खाली वही लोग होते हैं जिनको प्रोग्रामिंग आती है? जी नहीं, और भी तमाम तरह के लोग हैं। एक प्रोडक्ट जब डेवलप होता है, सॉफ्टवेयर इज ए प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट है, ये एक उत्पादन है, और ये उत्पादन एक आदमी के बस की बात नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्संस विल परफॉर्म देयर ड्यूटी, देयर जॉब, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन द कंप्लीट प्रोडक्ट विल बी द डेवलप्ड। तो आपके लिए मैं एक बेसिक आइडिया यहां दे रहा हूं कि भैया पाइथन में क्या पढ़ाऊंगा। पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, कैसे फ्लो चार्ट के थ्रू हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, फिर टेस्टिंग क्या होती है, डीबगिंग क्या होती है, और एक चीज और जिसको कहा जाता है सबसे लास्ट में इस यूनिट में करेंगे, वो है आपका डॉक्यूमेंटेशन। क्या करेंगे? डॉक्यूमेंटेशन। व्हाट इज दिस डॉक्यूमेंटेशन? डॉक्यूमेंटेशन वो प्रक्रिया है जिसमें कि, जिसको मैनुअल कहा जाता है। मैनुअल जानते हैं ना, आप कोई प्रोडक्ट लाते हैं तो उसमें क्या, उसके प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स, स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, जनरल स्पेसिफिकेशन उसके बारे में दिया रहता है। अगर आप कभी परेशान हो रहे हैं, कोई चीज़ आपकी काम नहीं कर रही है, तो आप मैनुअल से रीड करके देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट में क्या कर रहे हैं, कहाँ से क्या कर दें कि हमारा प्रोडक्ट ठीक हो जाए। तो डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो ये हो गया यूनिट नंबर वन, जिसमें कि आपको ये पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा कि भैया क्या क्या चीज़ें आप करोगे। तो ये इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है, मैंने आपको प्रोग्रामर बनाना, लक्ष्य यही है नाइलेट का कि भाई आपको प्रोग्रामर बना दे वो। और एक कंप्लीट प्रोग्रामर केवल कोडिंग से नहीं बनेगा, एक कंप्लीट प्रोग्रामर केवल प्रोग्राम की नॉलेज आने से नहीं होगा, उसको टेस्टिंग भी आनी चाहिए, उसको मेंटेनेंस भी आना चाहिए, उसको डिबगिंग भी आनी चाहिए, उसको डॉक्यूमेंटेशन भी आना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो ये हो गया पहला, जिसको कहते हैं आपका पाइथन का फर्स्ट पॉइंट कोर्स का, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इसके बाद हमारा जो सेकेंड पॉइंट है कोर्स का, आइए हम उसकी ओर डिस्कस करते हैं बच्चों, उस ओर आपको मैं ले चलता हूं। तो जो सेकेंड पॉइंट है, आइए वो लेते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज सेकेंड पॉइंट आपके पाइथन कोर्स का, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट।
सॉल्व प्रॉब्लम्स. दिस इज आवर नेक्स्ट पॉइंट जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैसे हमारे लिए मददगार हो सकते हैं. तो ये चीज हम लोग को डिस्कस करना है. अब प्रश्न ही उठता है बच्चों, इसमें दो चीजें हैं, एक है आपका एल्गोरिथम और दूसरा है फ्लो चार्ट. तो यहां पर बात अगर की जाए एल्गोरिथम की, जिसको मैं शॉर्ट में एल्गो लिख रहा हूं, और दूसरी चीज जिसको मैं बच्चों फ्लो चार्ट लिख रहा हूं, ये दो डिफरेंट चीजें हैं जिनके बारे में नाइलेट ने कहा है आपको सेकंड पॉइंट में डिटेल में पढ़ाया जाए. भैया एल्गोरिथम क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि जब आपको कोई टास्क मिलेगा पाइथन में, कोई प्रोग्रामिंग मिलेगी, तो जरूरी नहीं है कि आप सीधे कोडिंग करना शुरू कर दीजिए, जरूरी नहीं है कि आप सीधे डेवलपमेंट करना शुरू कर दीजिए कंप्यूटर पर बैठ के. नहीं, सबसे पहला स्टेप टू डिजाइन अ एल्गोरिथम. एल्गोरिथम व्हाट इज दिस एल्गोरिथम, एल्गोरिथम होता क्या है, यह समझना बेहद जरूरी है. तो टेक्निक टू सॉल्व, वो टेक्निक जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. आपको मालूम होगा एक समस्या को सॉल्व करने की डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती है, मींस किसी प्रॉब्लम को हल करने के कई डिफरेंट एल्गोरिथम्स हो सकती हैं. हाँ, वो एल्गोरिथम कंप्लीट हो, सही हो, उसका सही रिजल्ट आए. तो बच्चों इसमें आपको यह पढ़ाया जाएगा इस यूनिट में कि व्हाट इज दिस एल्गोरिथम. एल्गोरिथम एल्गोरिथम एक्चुअली एक शब्द है जो अरब के एक फेमस मैथमेटिशियन थे अल ख्वारिज्म साहब, उनके नाम पे डेवलप हुआ. और बहुत सारी पॉपुलर एल्गोरिथम्स हैं जो कि पॉपुलर हैं आज के समय में कंप्यूटर साइंस में, मैथमेटिक्स में, और भी तमाम जगहों पर. आप सूत्र कह सकते हैं, सूत्र की मदद से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं. तो आपको पढ़ाया जाएगा कि ये एल्गोरिथम होता क्या है, कैसे हम एल्गोरिथम को लिखते हैं, कैसे हम एल्गोरिथम बना सकते हैं. और मैं आपको बता दूं, प्रोग्रामर्स विशेष तौर से स्टूडेंट्स के बीच अगर इस एल्गोरिथम को लिखना आ गया तो आप समझ लीजिए बिना कोडिंग लिखे भी, आप मान लीजिए 5-7 नंबर का प्रोग्राम आया, आपको पाइथन का कोड नहीं समझ में आ रहा है, क्या करेंगे? आपके पास कोई चारा नहीं है, क्या आप छोड़ के चले आएंगे? जी नहीं, आप छोड़ के बिल्कुल मत आइए. आप उसके एल्गोरिथम की ओर दिमाग लगाइए, एल्गोरिथम लिखने की कोशिश कीजिए. सिंपल सेट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स में लिखना है, स्टेप वन, स्टेप टू, बिगिन, स्टेप वन, स्टेप टू, जितने भी स्टेप्स आपको लगते हैं उसमें लिखिए, इस स्टेप में क्या होगा इन इंग्लिश वर्ड, और फाइनली एंड कर दीजिए. और कंप्लीट एल्गोरिथम लिख दी अगर आपने, तो माय डियर आपको एग्जामिनर 7 नंबर में किसी न किसी तरह से, समझ लीजिए झिझकते हुए, हकलाते हुए भी 4-3 नंबर दे देगा, आपको बैरिंग नहीं लौटाएगा. हाँ, आपने जब कुछ लिखा ही नहीं, आपने कोई कोड भी नहीं लिखा, एल्गोरिथम आपने लिखने की कोशिश नहीं की, तो आप एक बात मैं बता दूं, एग्जामिनर आपको नंबर देना चाहता है कि भैया किसी भी तरह से स्टूडेंट को, कोई एग्जामिनर स्टूडेंट को फेल करने के मोटिव से नहीं कॉपी जांचता. तो आप मौका ही तो दीजिए, ये आपके लिए मौका है. तो ये सीखना पड़ेगा कि हाउ टू राइट एल्गोरिथम. और एल्गोरिथम के अलावा एक और कमाल की चीज है फ्लो चार्ट. आगे पढ़ाऊंगा फ्लो चार्ट, जिसमें कि ग्राफिकली यहां लिखते नहीं है यहां पर ग्राफिक्स के माध्यम से डिफरेंट सिंबल्स हैं फ्लो चार्ट में. इनपुट का अलग सिंबल है, आउटपुट का अलग सिंबल है. जैसे इनपुट आउटपुट करना हो फ्लो चार्ट में तो एक ऐसा बॉक्स बनता है जिसे आईओ बॉक्स, पढ़ाऊंगा आगे. प्रोसेस करना हो तो बच्चों इस टाइप का रेक्टेंगल बनता है. कंडीशन पे काम करना हो तो डिसीजन बॉक्स बनता है. तो डिफरेंट बॉक्सेस के द्वारा अपने प्रोग्राम को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं. फ्लो चार्ट एक बहुत ही बच्चों के बीच पॉपुलर है. और मैं बता दूं आपको, अगर ये दोनों आपको आ गया तो समझ लीजिए यू आर इन अ सेफ साइड. क्यों सेफ साइड है, कि अगर कोड नहीं भी आया, कोड बनाने का आपको तरीका नहीं पता, तो एटलीस्ट मिनिमम आप, अरे यार ये दोनों तो बना के आओगे ना, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट, नंबर पा के आओगे. तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कोर्स के. अब इसके बाद हम थर्ड पे चल रहे हैं. तीसरा पॉइंट आपके सिलेबस का क्या है, आइए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको. देखिए तीसरे पॉइंट पे क्या करना है, दिस इज
माय थर्ड पॉइंट कोर्स का, वो समझाने की कोशिश करता हूं। तो आपका थर्ड पॉइंट आपके कोर्स का जो होगा बहुत महत्वपूर्ण, तीसरा क्या होगा, इंट्रोडक्शन। किसका? अरे भाई जो पेपर आप पढ़ रहे हैं उसका, पाइथन। अंडरस्टैंड, दिस इज योर थर्ड पॉइंट कि भैया पाइथन का इंट्रोडक्शन, इसमें यह बताया जाएगा कि किसने पाइथन को डेवलप किया। पढ़ाऊंगा, मिस्टर गाइडो रॉसम साहब ने किया था। पाइथन की टेक्निकल स्ट्रेंथ क्या है, पाइथन में क्या बोलते हैं कि कैसे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होते हैं, मैंने पाइथन में कितने प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं, पाइथन में स्ट्रिंग क्या है, पाइथन में नंबर्स क्या हैं। तो जितना भी बेसिक अबाउट पाइथन है, कितने तरीकों से पाइथन सॉफ्टवेयर हैंडल होता है, पाइथन का सीयूआई मोड क्या है, पाइथन का जीयूआई मोड क्या है, पाइथन में आइडियली क्या होता है, ये सारे टर्म्स हैं। तो यानी पाइथन का इंट्रोडक्शन इस यूनिट में आप समझ लीजिए कि आप प्रोग्रामिंग बन करना सीख जाएंगे। यानी यूनिट थर्ड पहुंचते पहुंचते तीसरी यूनिट पे मुझे लाते लाते पाइथन का आपको आइडिया लग जाएगा कि पाइथन में प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, पाइथन की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। मैं बता दूं .py होता है, लेकिन ये सब चीज़ें अभी बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब कोर्स स्टार्ट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि पाइथन कैसे चलाना है, कैसे यूज़ करना है, प्रोग्राम लिखते कैसे हैं, प्रिंट क्या करता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बहुत ही कमाल का ये टॉपिक रहेगा जिसमें कि आपको डिटेल में बच्चों सब कुछ बताया जाएगा। इवन ये भी पढ़ाया जाएगा कि पाइथन में डेटा कैसे रीड करते हैं, कंसोल से डेटा कैसे वेरिएबल तक लाते हैं, वेरिएबल्स क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, ये सब कुछ आपको यूनिट थ्री में बताया जाएगा। मैं आपको बता दूं, अगर यूनिट थर्ड आपने ढंग से कर ली तो इसके बाद आपको ये समझ लीजिए कि काफी कुछ पाइथन का जानकारी आपको हो चुका रहेगा। इसके बाद आपको दिक्कतें उतनी नहीं रहेंगी, आप पाइथन से कह सकते हैं फैमिलियर हो जाएंगे, चलाना सीख जाएंगे, प्रोग्रामिंग जान चुके रहेंगे। तो बच्चों जब हम लोग इस यूनिट पे पहुंचेंगे तब डिटेल में आपको मैं पढ़ाऊंगा। फिलहाल आज तो इंट्रो वाला डेमो है, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि जानकारी दे रहा हूं मैं, तो इसलिए इससे ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं। इसके बाद इंट्रोडक्शन जब आपका हो जाएगा तो इसके बाद आपको क्या पढ़ाएंगे, तो इसके बाद जो पढ़ाएंगे वो मैं लिख देता हूं। चौथे पॉइंट पे मैं आपके लिए क्या डिस्कस करने जाऊंगा, देखिए चौथे पॉइंट पे हम आपको पढ़ाएंगे ऑपरेटर एक्सप्रेशंस ऑपरेटर अलग चीज है, एक्सप्रेशन अलग चीज है, और आपको पढ़ाएंगे पाइथन स्टेटमेंट्स। ये बहुत ही ब्रॉड है, पाइथन में कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं आपको पता है। ऑपरेटर्स आर द सिंबल जो कि ये बताते हैं कि ऑपरेंड पे कैसा एक्शन होगा। ऑपरेंड वो वैल्यू जिस पर कार्य होता है, ऑपरेटर वो जो कार्य करवाते हैं, जैसे प्लस ए एंड बी, ए प्लस बी, तो यहां ए प्लस बी ऑपरेंड हो गया, प्लस इज अ ऑपरेटर, ए माइनस बी ए मल्टीप्लाइड बाई, यू नो वेरी वेल, आप मैथ पढ़े होंगे थोड़ी बहुत, प्राथमिक कक्षा में तो जरूर पढ़े होंगे। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े गणितज्ञ तभी आपको ऑपरेटर और ऑपरेंड का ज्ञान होगा। तो पाइथन में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, उनकी क्या खासियत है वो बताया जाएगा। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस माने क्या होता है, समीकरण, जैसे c बराबर a प्लस बी, अगर आप एक्सप्रेशन की बात करें, जैसे मैंने ये लिखा c इज इक्वल्स टू a प्लस बी, तो यहां a b व्हाट इज दिस, दे आर ऑपरेंड, प्लस व्हाट दिस इज ऑपरेटर, और यहां c बराबर a प्लस बी, ये एक्सप्रेशन। तो पाइथन में एक्सप्रेशन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के समीकरण हैं, ये सब कुछ आपके लिए बच्चों हम लेकर आएंगे, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आपको इस फोर्थ यूनिट में एक और कमाल की चीज पढ़ाई जाएगी, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं कंडीशनल
क्या कहेंगे बच्चों, जिसको कहेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स? कि भाई कैसे हम कंडीशंस पे वर्क कर सकते हैं। कंडीशंस का मतलब पाइथन में हम कैसे पाइथन के स्टेटमेंट्स के द्वारा कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, भाई क्या इंस्ट्रक्ट करना कि सर आप कोई कंडीशन को कैसे सॉल्व करो। जैसे आपको पढ़ाया जाएगा इफ, जैसे आपको पढ़ाया जाएगा इफ एल्स, आपको पढ़ाया जाएगा इफ एलिफ और एल्स, और एक और पढ़ाऊंगा मैं नेस्टेड इफ। तो ये सब आने वाले वक्त की बातें हैं, ये आपको पढ़ाएंगे। बहुत ही आनंद आएगा आपको इन सारे प्रोग्राम्स को बनाने में। छोटे छोटे डेमो प्रोग्राम्स, डमी प्रोग्राम्स के द्वारा ही आप असली चीज सीखेंगे। तो ये कराएंगे जिसको कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहेंगे। और इसके अलावा आपको जो कराएंगे एक और कमाल की चीज है पाइथन में, जिसको कहते हैं बच्चों लूप्स। क्या कहते हैं? लूप। पाइथन में कौन कौन से लूप आपको बताए जाएंगे? तो फिलहाल पाइथन में कराएंगे व्हाइल लूप, और दूसरा आपको कराएंगे कौन सा? फॉर लूप। पाइथन में लूप का कॉन्सेप्ट क्या है, लूप होता क्या है, वैसे आपको ये शायद ना पता हो, तो मैं आपको बता दूं, प्रोग्रामिंग में लूप एक ऐसी कला है जिसके द्वारा आप रिपीटेड टास्क को, माने किसी टास्क को बार बार दोहरा सकते हैं। लूप इज ए टूल जिसके द्वारा आप रिपीटेडली टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो बहुत लगभग हर लैंग्वेज में लूप की सुविधा है, केवल पाइथन में है ऐसा मैं नहीं कहता लेकिन क्या कहता हूं मैं कि लूप सीखना बहुत जरूरी है, ये हर लैंग्वेज की बेसिक चीज है। लूप हो गया, कंडीशन हो गया, ये सब कुछ आप सीखेंगे। कैसे बनाते हैं, कैसे लूप चलाते हैं, व्हाइल लूप क्या है, फॉर लूप क्या है, कैसे ये वर्क करता है, ये सारा कुछ आपको डिटेल में पढ़ाएंगे आगे। तो ये हो गया आपका यूनिट नंबर 4। इसके बाद जो यूनिट नेक्स्ट आएगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट होगी, जिसमें कि आपको पढ़ाया जाएगा पाइथन के सीक्वेंस डेटा टाइप, जिसको कि मैं नंबर 5 बोलूंगा। देखिए मैं लिख रहा हूं आपके लिए, सीक्वेंस डेटा टाइप्स। ये देखिए, सीक्वेंस डेटा टाइप पाइथन की एक नई चीज है जिसके बारे में आपको सिखाएंगे, बताएंगे कि सीक्वेंस का क्या मतलब होता है। मतलब यहां ग्रुप की कोई बात होगी, कलेक्शन, किसका क्या खासियत है, कौन कौन से डेटा टाइप इसमें पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसका आइडिया मैं दे दूं। एक आपको पढ़ाऊंगा लिस्ट, दूसरा पढ़ाऊंगा आपको टपल्स। कौन कौन सा पढ़ाऊंगा? लिस्ट पढ़ाऊंगा, टपल्स पढ़ाऊंगा, आपको डिक्शनरीज पढ़ाऊंगा। डिक्शनरीज के बारे में बताएंगे आपको। सीक्वेंस में ही एक और चीज डेटा टाइप है जिसे स्ट्रिंग कहते हैं, ये बताएंगे आपको। सीक्वेंस में ही बहुत बड़ा सिलेबस है बच्चों, एरे एक कॉन्सेप्ट है, ये पढ़ाएंगे। सब कुछ सीक्वेंस में ही लपेट के खींच के बताएंगे कि लिस्ट क्या है, स्ट्रिंग क्या है, टपल्स क्या है, डिक्शनरीज क्या है, एरेस क्या है। एक और चीज होती है सेट। पाइथन का कोर्स बहुत बृहद है तो ये सब कुछ हम आपको लेके आएंगे। इसमें क्या खासियत होती है, सब में स्लाइट डिफरेंसेस होंगे, थोड़ी थोड़ी डिफरेंस के साथ चीजें होंगी, उनको एक्सप्लेन करूंगा, उनको समझाऊंगा ताकि आपकी समझ में आए। और मैं बता दूं बहुत सारे नंबर्स इस पे आते हैं, मतलब समझ लीजिए शायद प्रोग्राम के सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आएंगे तो या इन्हीं में से इन सब एरियाज से मिल जाएंगे आपको। तो वो आने वाला वक्त देखा जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कोर्स का, आइए उस पर चलते हैं। तो वो क्या है आपको देखिए, फंक्शंस 6 पॉइंट। फंक्शंस पाइथन में एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, पाइथन ही नहीं लगभग हर लैंग्वेज में। फंक्शंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं,
फंक्शन की क्या खासियत होती है, फंक्शन हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। फंक्शन के बारे में अगर संक्षिप्त परिचय में देने की कोशिश करूं तो फंक्शंस के द्वारा आप अपने कार्यों को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम को फंक्शन वाइज तोड़कर सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम को डीकम्पोज कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम को कह सकते हैं मॉड्यूलर बना सकते हैं। यानी मॉड्यूलर का मतलब क्या है, सिमिलर टाइप के कार्य के लिए। जैसे आपको सपोज कीजिए कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस का कोई प्रोग्राम बनाना है जिसमें जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, मॉड्यूलस लेना है, तो आप पूरा कोड एक साथ लिखें, उससे बेहतर होगा कि आप सेम टाइप का वर्क, जैसे एडिशन का कार्य एक फंक्शन एड फंक्शन, सब्ट्रैक्शन का कार्य दूसरा फंक्शन, मल्टीप्लीकेशन का कार्य तीसरा फंक्शन, समझ रहे ना मेरी बात, मॉड्यूलस का कार्य चौथा फंक्शन। तो इस तरह से आप अपनी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो पाइथन में हाउ टू राइट फंक्शंस, फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उनको बनाते हैं, कैसे उनको सॉल्व करते हैं, कैसे उनको कॉल करते हैं, ये सब कुछ पढ़ाए जाएंगे। और प्लस आपको लाइब्रेरी फंक्शन भी पढ़ाएंगे। फंक्शन के बारे में मोटा मोटा अगर कहूं मैं तो फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक आपका लाइब्रेरी और दूसरा जो आपका होता है उसे कहा जाता है UDF, यूजर डिफाइंड फंक्शन। फर्स्ट वन विच इज कॉल्ड लाइब्रेरी, अनदर वन इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड। तो लाइब्रेरी वो फंक्शंस होते हैं जिनको कि हम स्वयं डेवलप नहीं करते, बने बनाए हैं, हम उनको सिर्फ यूज करते हैं लाइक रेडीमेड। और यूजर डिफाइंड कौन से फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शंस होते हैं जिनको कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से डेवलप करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आने वाले समय के लिए छोड़ दिया जाए तो बेहतर है, एक दो मिनट के संक्षेप विवरण में कुछ नहीं हो सकता, बट बताऊंगा ये वादा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपको बताएंगे वो आपका होगा यूनिट नंबर 7। वो क्या होगा बच्चों, तो आइए वो दिखाता हूँ। यूनिट नंबर 7 में हम लोग क्या करेंगे, तो 7वें पॉइंट पे हम लोग जिक्र करेंगे बहुत ही मेजर टॉपिक जिसे कहेंगे फाइल प्रोसेसिंग। फाइल प्रोसेसिंग क्या चीज है भाई, आपका प्रोग्राम फाइल्स को, एक्चुअली होता क्या है, आप जानते हैं कि आपके कंप्यूटर का जो मेन स्टोरेज है वो क्या है, HDD, जिसे हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं, जहां पर डेटा किस फाइल में स्टोर होता है, किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, फाइल्स के प्रोग्राम फॉर्म में स्टोर होता है। और आपने जो पाइथन का प्रोग्राम लिखा, ये आपने पाइथन का कोई प्रोग्राम बनाया, उसमें आपने कोड बनाया, कैसे आप प्रोग्राम के द्वारा इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे, यानी पाइथन के प्रोग्रामिंग से आप कैसे हार्ड डिस्क में स्टोर फाइल्स को यूज कर सकते हैं। एक बात मैं बता दूं, अगर फाइल हैंडलिंग नहीं आई तो आप सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको मालूम है किसी भी सॉफ्टवेयर में जो डेटा स्टोर होता है वो परमानेंट होता है। परमानेंट का मतलब डेटा हार्ड डिस्क में जाएगा, प्राइमरी मेमोरी पर डेटा परमानेंट नहीं हो सकता, वो वोलाटाइल मेमोरी है, वो टेम्परेरी मेमोरी है, आप जानते हैं बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो बच्चों फाइल प्रोसेसिंग वो कॉन्सेप्ट लेकर आएगा जिसमें कि आपको ये सिखाया जाएगा कि भैया कैसे किस तरीके से फाइल्स आपकी स्टोर होगी, कहां पर, किस तरीके से आप अपनी फाइल्स को जो स्टोर है कहां पर हार्ड डिस्क में, उसको आप क्या कर सकते हो, उसको लोड कर सकते हो कहां पर, अपनी पाइथन के द्वारा प्राइमरी मेमोरी पर, और यूज करके मैनिपुलेट करके वापस भेज सकते। बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है। तो आने वाले वक्त में ये हम लोग जिक्र करेंगे, ये हम लोग जानेंगे। तो आइए इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं जिसका नाम है, जो हम पढ़ाएंगे आपको बच्चों, वो है, अब लास्ट पे पहुंच चुके हैं सिलेबस के, कुछ मेजर टॉपिक्स और रह गए हैं जिनका कि जिक्र कर देना चाहूँगा मैं आज के इस वीडियो में, वो है आपका स्कोप एंड मॉड्यूल्स। अगला पॉइंट नंबर 8 होगा ये मेरे गलत के हिसाब से, स्कोप एंड मॉड्यूल्स। ये स्कोप और मॉड्यूल का क्या चक्कर है, तो ये पाइथन में एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, पढ़ाएंगे आगे आपको पढ़ाया जाएगा, एक बड़ा ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है LEGB। ये वेरिएबल्स को के रूल्स होते हैं। LEGB क्या है, इस रूल में इसमें क्या पढ़ाएंगे, ये सब कुछ जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। और मॉड्यूल्स,
प्रोग्राम का स्मार्ट पार्ट, जिसे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग आप जानते हैं, तो हाउ टू क्रिएट मॉड्यूल्स इन पाइथन वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर, इन दिस यूनिट। तो ये डिटेल जब पढ़ेंगे उस समय के लिए रख दिया जाए। और सबसे आखिरी में एक और टॉपिक जो आपके लिए मैं बताऊंगा वो है नम पाई, वेरी इंटरेस्टिंग। नम पाई, नम पाई क्या है? न्यूमेरिकल पाइथन। ये क्या है? बने बनाए डेटा टाइप्स है पाइथन में, रेडीमेड है, आपको इनका यूज करना है। तो इसी का इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है, इसी की जानकारी आपको दी गई है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं, इस पूरे कोर्स में आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूपिंग, सीक्वेंस डेटा टाइप, फाइल प्रोसेसिंग, सीक्वेंस डेटा टाइप, फाइल प्रोसेसिंग समझ लीजिए 40% प्रोग्रामिंग का एरिया कवर कर देगा, जिसमें लिस्ट, टपल्स, डिस्प्ले, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरीज, स्ट्रिंग्स, सेट, एरेज वगैरह। तो ये था आपका कंप्लीट पाइथन का जो कोर्स नाइलिट ने आपके लिए डिजाइन किया है, नाइलिट ने आपके लिए बनाया है, जिसको कि मुझे आपको वन बाय वन बच्चों शुरू करना है, स्टार्ट करना है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को आनंद आएगा और आप पढ़ेंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे पाइथन के कोर्स के साथ, जब हम स्टार्ट करेंगे। तो मिस मत कीजिएगा, डोंट मिस द वीडियो। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।